अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त आपके लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ, जिसमें अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत ही लो बजट में आप जो है बेहतरीन उम्रा कर लें, तो इंशाल्लाह आप ऐसा ज़रूर कर लेंगे अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं टिप्स आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ों पर अमल करके आप अच्छा उम्रा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि आपके पास पैकिंग का सामान क्या है। उसके लिए मैं यहाँ लिंक भी दे दूँगी जिस पे मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं कि आपको सामान में क्या क्या लेके जाना है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपके पास सामान पूरा होना चाहिए ताकि आपको वहाँ जाकर जो है महंगा सामान ना ख़रीदना पड़े। क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर, हमारे पास बजट जो होता है वो पाकिस्तानी रुपए में होता है, और वहाँ जाके जब रियाल में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास प्रॉपर सारा सामान हो ताकि आपको वहाँ पर जाके कुछ ख़रीदना ना पड़े। तो सबसे पहली चीज़ जो हो गई वो आपकी पैकिंग या सामान है आपका, जो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। नंबर टू पर आ जाते हैं हम इनडायरेक्ट फ़्लाइट पर। तो इनडायरेक्ट फ़्लाइट जो है आप वो लेकर जो है उससे ये कि आपको सस्ता टिकट मिलता है बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लें। लेकिन देखें, एक बात मेरी बात याद रखिए कि अगर आपके साथ बूढ़े या बीमार लोग हैं तो फिर आप उनके लिए जो है वो डायरेक्ट ही फ़्लाइट रखिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप यंग हैं और आप हेल्दी भी हैं, आपको इस तरह का कोई इशूज़ नहीं है, हेल्थ के कोई इश्यूज़ नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। क्योंकि उसमें स्टे भी करना पड़ता है, कभी 8 घंटे कभी 4 घंटे इस तरह की स्टे होता है, लेकिन उसके टिकट बनिस्बत डायरेक्ट फ़्लाइट के कम में मिलते हैं आपको। फिर आपकी आ जाती है शटल सर्विस होटल। इसमें जो है आप पहले ही आप किसी भी एजेंट से बात कर सकते हैं, जिसके साथ आप ग्रुप के साथ अगर आप जाते हैं तो आप उनसे बात कर लीजिए। अगर होटल जो है वो शटल सर्विस होटल वो होते हैं जो कि हरम से दूर होते हैं, दूर होंगे तो यकीनन सस्ते भी होंगे। तो और जो उसकी नस्बत जो आपको जो है बिल्कुल हरम के साथ मिल रहे होंगे, उसमें ये होता है कि हर थोड़ी देर बाद आपकी बस जो है वो हरम की तरफ जाती है और हरम के करीब आपको उतार देती है। तो वो आपको आराम से, आपको कोई इतना मसला भी नहीं होता, और आपको काफ़ी चीप रेट में भी आपको ये टिकट्स इनके मिल जाते हैं। फिर आ जाते हैं देखिए शेयरिंग रूम में। आप अगर दो से ज़्यादा अफराद हैं फिर तो आपको फ़ायदा है कि 4 से 5 लोग आप ग्रुप के साथ भी जा रहे हैं, और आप एक ही फैमिली के मेम्बर्स जो हैं 3 से 4 लोग वो आप शेयर कर रहे हैं रूम को। लेकिन उसके अलावा अगर आप 1 से 2 अफराद हैं और शेयरिंग रूम लेते हैं तो आपको किसी के साथ भी वो कमरे में शेयर करना होता है। और आपको देखें, उम्रे पे जाने का मतलब आप सफ़र के लिए निकले हैं, तो आपको पेशेंस और बर्दाश्त दोनों चीज़ें और कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों पे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ज़ाहिर अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप जब शेयरिंग कर रहे होते हैं तो आपको वो थोड़ा चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो शेयरिंग करेंगे तो आपको भी ये होटल के रेट बनिस्बत इसके कि आप अकेले एक अलग रूम लीजिए वो आपको महंगा पड़ेगा, शेयरिंग रूम जो है हमेशा आपको चीप रेट में मिल जाते हैं। इसके बाद जनाब आ जाते हैं बस सर्विस जो इनकी होती है, वो भी जो है बहुत अच्छी होती है। आप बस में सफ़र कर सकते हैं अकेले हैं तो हाँ, वही बात करूँगी मैं, अगर 4 से 5 लोग हैं तो आप अपनी टैक्सी खुद अकेले कर सकते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर लीजिए पैसे। लेकिन ये कि अगर आप अकेले हैं तो आप बस में सफ़र कीजिए, बहुत ही अच्छी खूबसूरत लग्जीरियस बसेस होती हैं, तो कोई ऐसी बसें नहीं होती जिसमें आपको तकलीफ़ हो या परेशानी हो। तो जहाँ पर भी सफ़र करना है आप बस में सफ़र कर सकते हैं, या ज़ियारात वगैरह पर जाना है उसके लिए भी आप बस पर सफ़र कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब हमारा फूड बजट जो है, फूड बजट जो है वो भी बहुत ही कंट्रोल कर सकते हैं आप। किस तरीके से कि अगर जो है, अगर आप अकेले हैं फिर तो आपके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ से टिन फूड जो है, टिन पैक्ड फूड जो है वो मिलते हैं, आराम से इजीली मिल जाते हैं। आजकल तो हर शॉप्स पे जो है इस तरह के जो खाने की हैं वो अच्छे मशहूर ब्रांड हैं, उन्होंने अपने टिन पैक में अपने खाने रख लिए हैं। जो आपको पसंद है वो अपने साथ रख के ले जा सकते हैं, नान हैं जो रेडीमेड हैं वो आप ले जा सकते हैं साथ रख के। तो आप वहाँ पर इसको बजाय इसके कि वहाँ रियाल में आप ख़रीदिए खाना के लिए, तो वो आप ये ले जा सकते हैं।
लेकिन अगर आप 3 से 4 लोग हैं फिर तो आप वहाँ पे खाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी होटल जगह जगह मौजूद हैं और वहाँ पर कम से कम 8 रियाल में एक सालन मिलता है जिसके साथ 3 रोटियाँ दी जाती हैं। तो वो जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए तो वो सस्ता पड़ता है, लेकिन अब अकेला कोई आदमी है या उसके साथ 1 से 2 अफराद हैं तो उनके लिए वो महंगा पड़ता है। और आप इसको चाहते हैं कि भाई मैं जो हूँ इतने पैसे ना दूँ, 8 से 10 रियाल, कम से कम 8 रियाल का मसाला ने, ये भी पाकिस्तानी होटल की बात कर रही हूँ मैं, तो आप वहाँ से लेकर जो है इसमें आप अपने ले के जाएंगे तो आप वहाँ पर खाना खा सकते हैं वहाँ पे आराम से अपना। उसके अलावा जो है आप चाय का सामान, चाय के आप शौकीन हैं या ग्रीन टी की शौकीन हैं तो टी बैग्स ले जाइए अपने, और अपने चाय का सामान ले जाइए जिसमें जो है वो खुश्क दूध वगैरह ये सब रख लीजिए, क्योंकि वहाँ कम से कम 2 रियाल से लेके और 5 रियाल तक की चाय मिलती है, जो कि आप वहाँ से ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है जब पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आपको काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर आप थकन में चाय पीना चाह रहे हैं वहाँ पर तो आप अपने आके होटल में और आप वो चाय बना के पी सकते हैं। फिर आ जाता है वॉश करना या आयरन करना कपड़ों को। तो देखें वॉशिंग जो है यहाँ पे हर होटल के नीचे यहाँ मौजूद है, लॉन्ड्री जो है या फैक्ट्री जो मौजूद है ये कपड़े धोने के लिए मौजूद होती हैं, आपके लॉन्ड्री सर्विस देते हैं आपको ये, लेकिन ये है कि कम से कम 10 रियाल में एक सूट आपका वो धो कर देते हैं। इसका आसान हल ये है कि आप सर्फ के साशे रख सकते हैं और एक छोटी आयरन जो ट्रैवलिंग आयरन कहलाती है वो आप रख के ले जा सकते हैं। अगर आप चाहें किसी पे इस्त्री करना कपड़ों पे, आप सर्फ से खंगाल लीजिए, वॉशरूम्स में रॉड मौजूद होते हैं इस तरह के लगे हुए, आप वहाँ पे अपने कपड़े फैला के चले जाइए और वो आके अपने अगर चाहें तो वो कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे लेडीज़ को तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अबाया पहन लेते हैं ऊपर से, लेकिन मर्दों के कपड़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो आयरन जो है वो रख सकते हैं। अब आ जाते हैं हलक पे। तो हलक जो है वो वहाँ पर काफ़ी जो हरम के करीब हैं उनमें काफ़ी महंगा होता है, तो आप बेहतर है कि इब्राहिम खलील रोड पे जैसे बहुत अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं और बहुत कम रेट में आपको हलक कर लेते हैं। आप ये मशीन भी रख सकते हैं जिससे आप होटल से अपने बालों पे फेर के चले जाइए और वहाँ जाके हलक करवा लीजिए, तो आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा ये। और दूसरी चीज़ ये कि ख़वातीन अपने जब उम्रे का इरादा हो तो ये छोटी सीज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो सीज़र भी आपको देती हैं वो ख़वातीन तो आपको 5 और 10 रियाल वो मांगती हैं सिर्फ सीज़र देने के, आपको थोड़ी देर के लिए, तो बेहतर है आप अपनी सीज़र जो है अपने बैग में या पाउच में रख के लेके जाएँ जिस वक्त आपका उम्रे का इरादा हो। फिर आ जाते हैं शॉपिंग पे, क्योंकि ज़ाहिर है आप वहाँ जा रहे हैं इतने दूर तो आपको अपने प्यारों के लिए शॉपिंग करना भी ज़रूरी होती है और हदिया देना भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मार्केट्स मौजूद हैं मदीने में जो है 339 गेट के सामने से ही आप जब जाते हैं तो बेसमेंट में जो अंडरग्राउंड इनकी मार्केट बनी हुई है और वो भी बहुत अच्छी है, और जगह जगह 5 रियाल और 2 रियाल और 1 रियाल की शॉप्स भी बनी हुई हैं जहाँ पर आप जाके बहुत ही इजीली अपने बजट के हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं लेकिन जो है वो सस्ती भी चीज़ें मौजूद हैं, और ये इस तरह की जो मार्केट है वो वहाँ पर आपको बहुत ही चीप रेट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और जगह जगह टॉप 10 मार्केट भी है जिसमें आपको 10 रियाल की हर चीज़ मिलती है, ये भी मदीने में मौजूद है और आप जाके यहाँ से भी ले सकते हैं चीज़ें। तो आज की मेरी ये वीडियो थी और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने अपने तौर पे कोशिश की है आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी समझाने की जिसको आप फॉलो करके अपना जो है उम्रा बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ज़रूर मुझे बताइएगा फीडबैक के लिए, मैं आपका जो है वो वेट करूँगी, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग और नए किसी जो है वीडियो के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।